जौनपुर जिले में पशु तस्कर के आरोपी के घर छापा मारने पहुंची पुलिस टीम और आरोपी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से पशु तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अपना मन बना लिया है और जगह जगह पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में जौनपुर जिले में उस वक्त पशु तस्कर के आरोपी और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई, जब पुलिस टीम इस सूचना पर पहुंची कि आरोपी पशु तस्करी के कार्य में अभी भी लिप्त है। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस इस बात की दुहाई देती रही कि वह नियम से हटकर अगर काम करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर जब हमने एसपी सिटी अनिल पांडे से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और इस पूरे मामले की जांच करवा करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। हाँ, ये बात संज्ञान में आई है। दरअसल सागरन तहसील क्षेत्र में पशु तस्करी पहले से चलती रही है। इस समय पुलिस ने काफी दबाव बना लिया है जिसे लोग छटपटा रहे हैं। अगर कोई काम नियम विरुद्ध हो रहा है तो उस पर तो इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यदि कोई नियम के हिसाब से हो रहा है तो उस पर जबरदस्ती पुलिस कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगी जिससे किसी का उत्पीड़न हो।